प्रॉब्लम टीचर बताती है या फिर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग बच्चों टीचर्स को बताते हैं, पर ये मीटिंग एक डिफरेंट टाइप की मीटिंग थी जहाँ पे बच्चों को कैसे डील करना है और हमसे सजेशन मांगा गया कि आपको क्या चाहिए हमारे अंदर चेंजेस, और अगर हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो हम इस पर कंटिन्यू करें। ये एक डिफरेंट टाइप की मीटिंग थी और स्कूलों में जो मीटिंग होती उससे बहुत डिफरेंस थी, और इससे पेरेंट्स को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिला, खुल के टाइम दिया गया कि बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में अगर पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मीटिंग बहुत अच्छी थी। एंड मैम, हाउ डू यू फाइंड तक्वा द स्कूल? क्यों आपने अपने बच्चे को यहाँ एडमिट कराया? बेस्ट स्कूल इन इलाहाबाद, बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह, और यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ दीनी एजुकेशन भी दी जाती है। कोई अगर ये मेंटेलिटी लगता है कि सिर्फ ये इस्लामिक स्कूल है, नौ ये एज ए मदरसा सिर्फ है, तो नहीं नहीं यहाँ पे दोनों एजुकेशन दी जाती है, दीन एंड दुनिया बोथ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो बोर्ड है CBSE बोर्ड, मैं खुद CBSE बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से CBSE बोर्ड बेस्ट बोर्ड है जहाँ पर बच्चों की हर तरीके की एजुकेशन है और उनके ऊपर एक बोर्ड बर्डन नहीं होता। बहुत से बोर्ड्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, लेकिन CBSE बोर्ड में बच्चों का ऑलराउंड ग्रोथ होती है और जो आगे के एग्जामिनेशंस होते हैं हायर एजुकेशन के लिए उसमें ये बोर्ड बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो बिल्कुल अपने जहन में ये मेंटेलिटी ना रखिए कि हमारा बच्चा ये तक़वा स्कूल से पढ़ के सिर्फ हाफिज़ या कारी या मौलवी ही सिर्फ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपका बच्चा इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दीन में भी चेंजेस जो आपने अपने बच्चे में पाए हो यहाँ एडमिशन के बाद, कैसे वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो? हाँ, मेरा बच्चा मेरी फैमिली में मतलब इतना ज़्यादा रिलीजियस माहौल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोजे के सब पाबंद हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं है। लेकिन बच्चा जब इस स्कूल में आते हैं तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनते हैं। छोटी छोटी बातों में ये काम नहीं करेंगे, गलत है, गुनाह पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मा, चीटिंग करने का जैसे कभी हुआ तो, और स्कूल के बच्चे जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे तो बच्चे इधर उधर से देख लेते थे, मेरा बेटा कभी नहीं देखता था, कहता था नहीं मम्मा गुनाह पड़ेगा, मैम नहीं देख रही तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। तो बच्चों की मतलब अंदर से ग्रूमिंग होती है, बच्चे अंदर से ग्रूम करते हैं, तो बच्चों के लिए अच्छी परवरिश मतलब अच्छा स्कूल है, अच्छा इंस्टीट्यूट है जिससे उनकी फ्यूचर में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जिससे उनकी दीन और दुनिया दोनों इंशाल्लाह बनेगी। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि तक़वा इस्लामिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, इसके हेल्प के लिए आगे आइए, जैसे भी आप आ सकते हैं, आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो इसमें हेल्प करिए, इसकी मदद करिए, और अगर आपके पास फाइनेंस से भी नहीं तो अपने एफर्ट से करिए। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये